सभी को नमस्ते। और आज हम लोग हमारे सुपरस्टार सिंगर्स के बच्चों के साथ रक्षाबंधन मनाने वाले हैं। तो आज साइशा मुझे राखी बांधेगी और अरुणिता शोएब को और रोहन को राखी बांधेंगी। तो राखी का पर्व है, सभी लोग घर में मनाते हैं। अभी इस बार घर जाने का मौका नहीं बन पा रहा है, अगर बनेगा तो बिल्कुल जाएंगे। तो साइशा बांधो। रक्षाबंधन था और हमने मनाया, सबने राखी बांधा और टीका लगाया और पूजा की और घर की याद आ गई बिल्कुल। और मेरी भी दो छोटी बहनें हैं तो वो लोग वेट कर रही होंगी राखी के लिए, बट मौका लगेगा तो जरूर जाके आऊंगा। इस बार बरेली से फ्लाइट जा रही है तो मैं जल्दी पहुंच सकता हूं घर पे। सर क्या ये जीप ढीली होगी? सर मेरे को लगता है कि घर जाऊंगा तो बहनें उतने में खुश हो जाएंगी। बाकी वो उसको म्यूज़िक पसंद है ज्योति को, तो स्टूडियो है घर पे तो उसमें लगी रहती है वो। बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे होता है मतलब जैसे हमने ये रस्ते यहाँ तो हमारे वहाँ पे तो बहनें आती हैं और मेरी तो इतनी सारी बहनें हैं क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे पापा लोग 9 भाई हैं, 3 बहनें हैं, तो 13-14 भाई बहन हैं पापा लोग। तो उसमें बहुत सारी दीदियाँ आ जाती हैं तो राखी बांधने के लिए, तो बहुत अच्छे से होता है। और मेला लगता है गाँव चंपावत शहर में, मेला लगता है और झूले होते हैं छोटे छोटे, तो उनमें बैठते हैं, खिलौने खरीदते हैं बच्चे और राखियाँ खरीदते हैं। सर मैं बहुत मतलब मेरा जो फैमिली है जॉइंट फैमिली था, पर बाद में मैं, मेरे भाई मतलब बड़ा भाई, मम्मी और पापा ही रहे, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता था। मैं बस राखी बांधती थी और मेरे मासी का बेटा, ये सब आते थे हमारे घर में, मामा के बेटे, तो उनको लगाती थी और मेरे लिए बारबी डॉल्स वगैरह लेके आता था, तो उन सबको मिस करती हूँ। नहीं, वो लोग हमेशा लेके आते थे, मुझे मांगना ही नहीं पड़ता था, हमेशा जो सबसे बेस्ट गिफ्ट है वो लेके आते थे। सभी लोग राखी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें और भाई बहनों का त्यौहार है कमाल का, और साथ में घूमें, मूवीज़ देखें और हमारा सुपरस्टार सिंगर साथ में बैठ के देखें सभी लोग, और सभी बच्चों को बहुत प्यार दें। हैप्पी रक्षाबंधन।